तरह से एडिटिंग करके अपना इस तरह से फेस व्हाइट करना और इस तरह से बैकग्राउंड बनाना और बटरफ्लाई पेंजी इस तरह से लगाना गाइस, ठीक है ना। हमारा देख सकते हो इस वाले फोटो, हमारा ये वाला ओरिजिनल फोटो, इस वाले फोटो को सिंपली स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। जो स्नैपशीट में शेयर कर दिया, कुछ शेयर होता है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इतने बार टूल वाला आइकन पर क्लिक करना और टूल इमेज का एक आइकन देकर, ठीक है, टूल इमेज पर क्लिक कर देना। इतना होने के बाद इस तरह से ब्राइटनेस को 100 प्लस कर देना, ठीक है ना। हमारे फोटो में इस तरह से क्वालिटी आ जाएगा, ब्राइटनेस आ जाएगा, ठीक है ना। इतना होने के बाद डन कर देना, ठीक है ना। इस तरह से डन कर देना, ठीक है ना। इतना होने के बाद इस वाला आइकन पर सिंपली फिर से क्लिक करना है और इस तरह से कंट्रास्ट को प्लस कर लेना 33 और सेचुरेशन को हल्का सा प्लस कर लेना 21 और अमाउंट को भी प्लस कर लेना, ठीक है ना। तो 23 प्लस कर लेना और हाईलाइट को हल्का सा माइनस कर लेना, हमारे फेस पर ज़्यादा लाइट होगी तो 27 माइनस कर लेना और शेडो को हल्का सा प्लस कर लेना, ठीक है ना। 23 इतना होने के बाद और डन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। डन कर देना, ठीक है ना। इस तरह से हमारा V4 एन फोटो में देखते हो कुछ इस तरह से क्वालिटी आ जाएगा, ठीक है ना। हेयर भी इस तरह से क्वालिटी आ जाएगा हेयर में भी, ठीक है ना। इतना होने के बाद सिलेक्ट वाला आइकन है, सिलेक्ट वाला आइकन पे क्लिक करना और हमारे हाथ पे इस तरह से हाथ लेके इस हाथ पे इस तरह छोड़ लेना और इस तरह से ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेना देखो तो, ठीक है ना। 49 को इंक्रीज कर लेना और इस वाले आइकन पे सिंपली फिर से क्लिक करना, सिलेक्टिव पे क्लिक करना और सिलेक्टिव को फिर इस तरह से यूज़ करना है और इस तरह से इसको भी 59 प्लस करके फिर से डन पे क्लिक कर देना और सिंपली हमारे इस वाले फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। हमारा फोटो जो हमने स्नैपशीट से जो लाइटरूम में ओपन कर लिया, लाइटरूम ओपन कर देना, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इतना बहुत इस वाले सिंपली प्रीसेट पे आना, इस वाले प्रीसेट का सिंपली कॉपी सेटिंग कर लेना। देख सकते हो आपको 3 डॉट पे सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है ना। 3 डॉट पे क्लिक कर देना, 3 डॉट पे क्लिक करके और एक कॉपी सेटिंग आइकन दिखे, कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। कॉपी सेटिंग क्लिक कर लेना और सेटिंग इस तरह से कॉपी करने के बाद फिर से डन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। इतने बाद कॉपी सेटिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इतना बाद इस वाले आइकन पे सिंपली आना और फोटो देख सकते हो, ठीक है ना। हमारा अच्छे से इस पर देख लेना हमारा फोटो इस तरह से, ठीक है ना। इतना बाद फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना, आपको मैं बताता हूँ 3 डॉट का आइकन है, 3 डॉट पे क्लिक करना, ठीक है ना। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक स्पेस सेटिंग आइकन दिखेगा, ठीक है ना। स्पेस सेटिंग पे सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है ना। स्पेस सेटिंग करते में कुछ इस तरह से हमारा फोटो लोड लेगा, देख सकते हो आप स्क्रीन पर किस तरह से लोडिंग हो रहा और इस तरह से बन जाएगा स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। फेस वेट वगैरह और बैकग्राउंड भी बन गया। इतना बाद इस वाले फोटो को सिंपली स्नैपशीट में फिर से शेयर कर देना एक बार, ठीक है ना। लाइटरूम से हमारा फोटो स्नैपशीट में शेयर होता है कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना। इतना होने बाद इस वाले आइकन पर सिंपली क्लिक करना और आपको एक आइकन दिखा, सिंपली मैं दिखा देता हूँ आपको, और इस वाला आइकन पर सिंपली क्लिक कर लेना, ठीक है ना। इस वाला आइकन पर क्लिक करते में गैलरी का आइकन खुल जाएगा, ठीक है ना। गैलरी का आइकन खुलते में इस तरह से कुछ हमारे लाइट पेंजी ले लेना, ठीक है। लाइट पेंजी लेके इस तरह सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। सेलेक्ट करने बाद और इस वाला आइकन पर क्लिक करना और आपको एक एड का आइकन दिखे, एड पर सिंपली क्लिक करना, ठीक है ना। एड पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से हमारा फोटो बन जाएगा। इतना होने बाद इसे डन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। डन कर देना, देख सकते हो हमारा बटरफ्लाई पेंजी जो एड हो चुका है, ठीक है ना, हमारे फोटो में तरह से बैकग्राउंड में, ठीक है। इतना होने बाद फिर से इस वाला आइकन पर क्लिक करना है और देख सकते हो टूल इमेज पे क्लिक करना है और एक ये इस वाले आइकन पे सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना वायरलेस का आइकन और इस तरह से इसको प्लस कर लेना, ठीक है ना। इस तरह से प्लस कर लेना, ठीक है। इस तरह से चुमुतर को प्लस रख के फिर से डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। डन पे क्लिक करना है और एक फिर से एडजस्ट का आइकन दिखा, इस पर क्लिक कर लेना और फिर से व्यू एडिट पे क्लिक कर लेना और एक आइकन दिखा ब्रश वाला आइकन पे सिंपली क्लिक करके और इस तरह से एक इन्वर्ट का आइकन दिखा, देखते हो तो इन्वर्ट पे आइकन इसको इन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। इन्वर्ट कर लेना, इन्वर्ट करके और इस तरह से फेस को इसको जीरो रखना, ठीक है ना। इसे आइकन को जीरो रखोगे तभी हमारा फेस से रिमूव होगा, ठीक है ना। इस एरो वाला आइकन से इसको जीरो कर लेना, ठीक है ना। जीरो करके मेरा फेस से इस तरह से रिमूव कर लेना, ठीक है ना। स्क्रीन में देख सकते हो मैं किस तरह से रिमूव कर रहा हूँ, इसी तरह से अच्छे से रिमूव कर लेना, देख सकते हो, ठीक है ना। और फोटो कितना ज़्यादा ऑसम बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से रिमूव कर लेना, मैं जल्दी से रिमूव कर लेता अपने शर्ट पे से, तो निकले अपने शर्ट पे से, ठीक है ना। सारे अच्छे से जो कलर टोन आ रहा था, देख सकते हो हमारा फोटो जैसा थंबनेल में दिखाया था कुछ इस टाइप से मैंने एडिट कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।